ये जो हम क्या कर रहे हैं, अन्नप्राशन कर रहे हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको दांत नहीं मिलते, तो जब दांत जात दर्शनम होता है तो पहला दांत हमें जो जब दिखता है या हमें वैसे लक्षण जब शुरू होते हैं तो अन्नप्राशन कहा गया। ये संस्कार है, वैसे षोडश संस्कार मेन है। उसके पहले 41 संस्कार बताए, जैसे पैदा होने के बाद उसको जात कर्म संस्कार कहते हैं और मरने का जो संस्कार रहता है वो अंत्य संस्कार कहते हैं। तो जात कर्म तो हो गया, पैदा हो गया, उसके बाद में निष्क्रमण संस्कार रहता है। तीसरे महीने में घर से बाहर लेके जाना है मंदिर को वगैरह, वो भी उसका संस्कार हो गया, बहुत घूम लिया उसने। हाँ हाँ, उसके बाद में उपवेशन संस्कार रहता है पांचवे महीने में। तो खुद बैठ रहे अभी आजकल के बच्चे, तो सिखाने की जरूरत नहीं, हम लेके सिखाते ही। अब उसका आगे का संस्कार रहता है फलपराशन संस्कार और अन्नप्राशन संस्कार रहता है, पांचवे और छठवे महीने में रहता है। तो ऐसे इसमें हम माता का दूध कम करना शुरू करते हैं और आगे आगे इनका दूध शुरू करते हैं, बाहर का खाना शुरू करते हैं निडलते। तो ये जो संस्कार है, संस्कार का महत्व बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये संस्कार का महत्व बहुत है, सम्यक करोति इति संस्कार। बच्चा का क्या इंटेस्टाइन बहुत छोटी रहती है और उसको बाहर का जब फीड शुरू करते हैं तो वो डाइजेशन के लिए हेवी रहता है, और हेवी रहने के बाद क्या होता है कि बच्चों को बीमारियां हो जाती है, पेट फूलने लगता है, वेट नहीं बढ़ता है, बाल नहीं आते, ये सब धीरे धीरे होता है। सबसे ज़्यादा भय किसको रहता है बच्चों को? बच्चों को सबसे ज़्यादा भय रहता है कृमि का। तो कृमि ना हो, कृमि कब होते हैं, अग्नि कम हो जाएगा। अरे शांत बसायला सांगा ना, जे ओरडते त्यांना बाहेर घ्यायला सांगा, बरं का, हे सोडव। हां, तो जो कृमि का भय रहता है, तो कृमि का भय रहता है, तुरंत तुरंत लगते प्रॉब्लम नहीं है। तो कृमि का भय हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम संस्कार करते हैं। तो अग्नि का संस्कार रहता है। तो दो प्रकार के अग्नि है, हम गीला कपड़ा लेंगे और वो सुखाएंगे। अगर हम छाव में सुखाते हैं और धूप में सुखाते तो फर्क रहता है ना। हाँ। कैसे फर्क रहता है? वो कड़कपना धूप में सुखाने में ज्यादा रहता है। हाँ। वैसे हमारे भूख में रहता है, जब हम खाते हैं तो अगर उस पे आच्छादन रहेगा दोषों का तो वो अच्छी तरह से पचन नहीं होता है, और उसमें अग्नि अच्छी रहेगी तो पचन होता है। तो ये करते समय बच्चे जब खा रहे हैं तो उसको ज्यादा नजर लगती है, ना लगे इसलिए अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। नजर लगते हुए बाप रे कितना अच्छा खा रहा है, अरे बाप रे कितना अच्छा रो रहा है, अरे बाप रे कितना अच्छा रो रहा है, ये सब हम बोलते हैं। तो अब ये सब करते समय हमें बच्चों का जो नजर है वो भी कम करना चाहिए। तो नजर कहाँ से आती है? कहीं से भी आ सकती है। तो कहीं से भी आती है, 10 दिशाओं से आती है। तो दिशाएं कितनी है? 10 दिशा है। तो 10 दिशाओं की जो नजर आती है वो शांत करने के लिए हमने 10 पत्ते लिए है, तो 10 दिशाओं से। तो क्या हुआ था, तो भगवान शंकर जी का पुत्र था, कार्तिकेय था। तो कार्तिकेय को रक्षा करने के लिए भगवान श्री शंकर ने 12 लोगों को रखा, और वो 12 लोगों को ग्रह बोला उसने, और हमारे बेटे की आप रक्षा करो, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी को बच्चा रहेगा तो उसकी रक्षा के लिए सबको आना पड़ेगा ना। वैसे भगवान शंकर का बच्चा था और उसकी रक्षा के लिए उसने 12 लोगों को रखा। अब वो कार्तिकेय बड़े हो गए, भगवान कार्तिकेय बड़े होने के बाद तो 12 लोगों ने करना क्या, वो करना क्या, तो भगवान शंकर बोले कि आप पृथ्वी पे जाओ और बच्चों को विकार बनाओ, जो अच्छी तरह से काम कार्य नहीं करते, रूल्स फॉलो नहीं करते, उन पे विकार करना है। तो उनको ग्रह बाधा कही जाती है। तो ये गर्व बाधा कब लगती है? जब बच्चों को ज्यादा से ज्यादा लोग देखते हैं, अच्छा देखते हैं, अरे बाप रे खा रहा है। तो इसीलिए छठवें महीने में वो ग्रह ना हो इसलिए कर्ण वेदन करते हैं। तो कर्ण वेदन तो आपने कर लिया, तो अभी वो संस्कार तो खत्म हो गया, नहीं तो हम अभी आपको कान टोचने के लिए बोलते, लेकिन अभी वो हो गया है टाइम, अभी टाइम है वो दश दिशाओं को शांत करने का। तो उसको अन्नप्राशन बोलते। तो ये शांत करते समय उसकी बुद्धि भी चाहिए हमें ना, हमें थोड़ी हमारा बच्चा ये चाहिए, हमें तो होशियार चाहिए, कलेक्टर चाहिए। तो वो सब बनाने के लिए हमने ये जो ग्रुत है ब्राह्मी ग्रुत कहते हैं, तो ब्राह्मी ग्रुत का हम प्राशन करवाते हैं, बाद में अन्नप्राशन रहता है, फलप्राशन सब साथ में देते हैं। तो अब ये जो ब्राह्मी ग्रुत है, हम अश्वत्थ पत्र ही क्यों दिया है पीपल के पत्ते, तो ये भगवान बुद्ध ने इनके नीचे बैठ के आराधना की थी। क्यों यही पेड़ क्यों निकला निकाला? क्योंकि इसको अश्वत्थ कहते हैं, अश्व मीन्स अग्नि,
तो मंदिर स्थापित वहाँ रहता है, तो ऐसा अग्नि जिसमें कंटिन्यूस है उसके पत्ते जो बुद्धिवर्धक अच्छे रहते हैं। हाँ, तो वो बुद्धिवर्धक जो है हम यहाँ पे यूज करेंगे। अभी ये पिताजी ने करना होता है इसलिए आपको यहाँ बुलाए हैं छुट्टी लेके। तो हर इसमें हम ब्राह्मी घृत डाल रहे हैं, ये तो हर पत्ते में हम दशा दिशा के पत्ते हैं, ठीक है, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर अग्नि नैऋत्य वायु ईशान्य और अप और डाउन, तो सब यहाँ से आएगा। तब हम ये हमें इसको घुमाने वाले हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करने के लिए ये हो गया। हमारे बुद्धि को कोई औषधि नहीं रहती, ऐसी कोई दवाई नहीं रहेगी जो हम खाएंगे और खाने से MPSC में फर्स्ट आएंगे, ऐसी दवाई नहीं रहती है, तो उसको कर्म करने पड़ते हैं। तो वही जो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करने के लिए लिपिड्स काम में आते हैं, इसलिए ब्राह्मी जो बुद्धिवर्धन में श्रेष्ठ है वो हम यहाँ पे डाल रहे हैं। ब्राह्मी डालने के बाद हमने यहाँ पे जो ओदन रहता है आजन्म साथ में रहता है मधुर रस, तो मधुर रस वाला चावल भी हमने वहाँ पे रखा। तो एक एक रखो 12, जिसमें पिताजी ने रखना है, यह वैद्य ने रखना है, या ब्राह्मण में रखना, तो उनमें से दो तो मैं हूँ, तीनों भी हूँ, पिताजी भी हूँ। तो यहाँ पे छोटे छोटे निवाले जो बच्चा खा सके छोटे छोटे निवाले रखना है। चाय भी खाते हो तू? बस बस हो गया। अब इस पे थोड़ा सा हमने जो दाल मंगवाई थी दाल लगानी है। दाल लगाने के बाद हम संज्ञा विवर्धन स्तोत्र बोलने वाले हैं, तो मेरे पीछे पीछे बोलना है। कसन है टच आते फक्त तुप्त लावले ना आपण डाळ असं फक्त ले अग्नीला संस्कार थोडं थोडं टाक पातळ पण थोडं थोडं टाक लागलं पाहिजे तो बस बस हो गया। अभी बच्चों को लेना है, मैं जो जो बोलूंगा वो आपने बोलना है मेरे पीछे पीछे। ए चाबी दे चुके जाता हूं अच्छे से मांडीवर ठेवा तिला, तर मला पाठ नाही पण म्हणतो मी चुकले म्हणून आपल्या मागे म्हणायचं आहे। स्कंद वाच योगेश्वरो महासेन कार्तिकेयो अग्निनंदन स्कंद कुमार सेनानी स्वामी शंकर संभव गांगेय ताम्रचूडश्च ब्रह्मचारी शिखिध्वज तारकारी उमापुत्र क्रोधारी च षडानन शब्द ब्रह्म समुद्रश्च सिद्ध सारस्वतो ग्रह सनत कुमारो भगवान भोगमोक्ष फलप्रद शरज्जन्मा गणाधीश पूर्वजो मुक्ति मार्गकृत सर्वागम प्रणेता च वांचितार्थ प्रदर्शन अष्टाविंशति नामानि मदीयानीति यः पठेत् प्रत्युषं श्रद्धया युक्तो मूको वाचस्पतिः भवेत् महामंत्रम् अयनीति मम नाम अनुकीर्तनात् महाप्रज्ञाम् आप्नोति नात्र कार्या विचारना। ये हो गया स्तोत्र हो गया, इसका अर्थ है जो हमने पहले भगवान कार्तिक के नाम बोले हैं, ये प्रज्ञा विवर्धन के लिए श्रेष्ठ नाम है, ये हमेशा नाम बुलवाना है इनसे, ये पूरा पाठ करवाना है। और ये जो अष्टविंशति जो नाम है जो याद रखता है जो हर रोज बोलता है, तो उसकी जो है मुको वाचस्पति भवे, जिसको बोलना नहीं आता वो वाचस्पति बनता है, उसकी वाक सिद्धि मिल जाती है। महामंत्रम, ये जो महामंत्र है ये नाम बार बार बोलने से महाप्रज्ञा बहुत बुद्धि बच्चों में आ जाती है,
तो इसमें कोई संशय नहीं करना है, अभी संशय नहीं है तो ये बीच में का जो है इसको एक थोड़ा सा कौन सा भी निवाला पकड़ना है, बाकी सब इकट्ठा करना है और इकट्ठा करके कौन से भी गाय को आपको खिलाना है। और आपको जूस मंगवाया था आपके हाथों से, उसको पहले एक खिलवा के जूस पिलाना। इति अन्नप्राशन संस्कार, ये हो गया अन्नप्राशन संस्कार। काढला नाही का नाही इकडे आता प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र आहे, आईने किंवा बाबांना म्हणायचं, पोरगी बाबावर असेल तर बाबाला पाठ करायला। गुगलवर